सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पूरा और कंफर्म शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जो कि दोस्तों टूर्नामेंट की मेजबानी इस बार ऑस्ट्रेलिया करेगा और ये पूरा टूर्नामेंट 16 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 13 नवंबर 2022 को खत्म होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पूरा कंप्लीट शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू, टीम्स, ग्रुप्स और फॉर्मेट से जुड़ी सारी कंफर्म जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा और अगर आप भी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं। तो दोस्तों आईसीसी ने शुक्रवार को सुबह सुबह ही टी20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी किया और शेड्यूल के हिसाब से हमें एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल क्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी और करीब एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पे टूर्नामेंट की शुरुआत 16 अक्टूबर को क्वालिफाइंग राउंड से होगी जो कि 21 अक्टूबर को खत्म होगा। 21 अक्टूबर को क्वालिफाइंग राउंड खत्म होने के बाद टी20 वर्ल्ड कप के बड़े बड़े मुकाबले शुरू होंगे, यानी सुपर 12 के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पे सुपर 12 का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। उससे ठीक अगले दिन होगा महासंग्राम महामुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच। यह मुकाबला दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। दोस्तों बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 कुल 7 वेन्यूज में खेला जाएगा, जो कि 7 वेन्यूज कुछ इस तरीके से है: एडिलेड, ब्रिसबेन, जिलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी। जहाँ पे बात करें नॉकआउट मुकाबलों की तो टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 1-9 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा, उनके बाद सेमीफाइनल 2-10 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा और यहाँ पर फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। दोस्तों बात करें टीम्स की तो जैसे कि मैंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी, तो टीम्स कुछ इस तरीके से है: नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 इंग्लैंड, नंबर 5 न्यूजीलैंड, नंबर 6 साउथ अफ्रीका, नंबर 7 बांग्लादेश, नंबर 8 अफगानिस्तान, नंबर 9 वेस्ट इंडीज, नंबर 10 श्रीलंका, नंबर 11 स्कॉटलैंड, नंबर 12 नामीबिया। दोस्तों यहां पर आखिर की चार टीमें टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल के पहुंचेगी। दोस्तों बात करें फॉर्मेट की तो 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में 8 टीमें सुपर 12 में बचे 4 स्थानों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेगी, जो कि क्वालिफाइंग राउंड की 8 टीमों को 4-4 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और यहां पर क्वालिफाइंग राउंड के कुल 12 मुकाबलों के बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेगी। दोस्तों सुपर 12 में 8 टीमें ऑलरेडी आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई कर चुकी है, तो इस तरीके से क्वालिफाइंग राउंड की 4 टीमें और सुपर 12 की 8 टीमें, इन कुल 12 टीमों को भी 8-8 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोस्तों सुपर 12 में कुल 30 मुकाबले खेले जाएंगे और इन 30 मुकाबलों के बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फॉर्मेट। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करें ग्रुप्स की तो राउंड 1 के दो ग्रुप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे ग्रुप ए में श्रीलंका और नामीबिया की टीम शामिल है। दोस्तों यहां पर आखिर की दो टीमें टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल के पहुंचेगी। तो वहीं दोस्तों बात करें ग्रुप बी की तो ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीम शामिल है, यहां पर आखिर की दो टीमें टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल के पहुंचेगी। दोस्तों बात करें सुपर 12 के ग्रुप्स की तो सुपर 12 के ग्रुप 1 में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम। आखिर की दो टीमें यहां पर राउंड 1 यानी कि क्वालिफाइंग राउंड खेलकर पहुंचेगी। तो वहीं बात करें ग्रुप 2 की तो ग्रुप 2 में इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम शामिल है, यहां पर आखिर की दो टीमें टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलकर पहुंचेगी। दोस्तों मैंने आपको टी20 वर्ल्ड कप 2022 से जुड़ी सारी जानकारी दे दी, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के फिक्चर्स की। तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जो कि यह मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से शुरू हो जाएगा। उनके बाद दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को ग्रुप ए के रनर अप टीम से खेलेगी, जो कि यह मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर को 12:30 से शुरू हो जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना तीसरा मुकाबला 30 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी, जो कि यह मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर को 4:30 से शुरू हो जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना चौथा मुकाबला 2 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, जो कि यह मुकाबला एडिलेड में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से शुरू हो जाएगा। उनके बाद टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 6 नवंबर को ग्रुप बी की विनर टीम से खेलेगी, जो कि यह मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का पूरा फिक्चर्स। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल एकदम डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा और पूरा शेड्यूल भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।